हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 सोशल साइंस, चैप्टर 17 जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और ये इस चैप्टर के फुल सॉल्यूशंस हैं। होप कि आपको पिछले सारे सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और नोटबुक में लिख लिए होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और वो बेल आइकन होती है उसे भी आप प्रेस कर दो, तो जितने भी मेरे नए वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आपको नोटबुक कंप्लीट कराने में हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करें। अब आगे है क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें फर्स्ट का आंसर है विलेजेस, यानी सबसे ज़्यादा गर्ल्स बॉयज़ का डिफरेंस कहाँ देखा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन यानी असमानता कहाँ देखी जाती है, विलेजेस में। और सेकंड है रेशियो ऑफ फीमेल्स वाज डैश पर 1000 मेल्स इन 2011, तो उसका आंसर है 940। तो आगे देख लेते हैं। नाउ आगे है आंसर इन शॉर्ट क्वेश्चन 2, तो उसमें फर्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज सीन इन अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जब हम बच्चों को बड़ा करते हैं, घर में कोई बच्चे बड़े होते हैं, तो उसमें गर्ल्स बॉयज़ के बीच में क्या असमानता देखी जाती है, वो आप अच्छे से जानते होंगे जब आप किसी के भाई हैं या आप किसी की बहन हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन 2 का 2 है व्हाट आर द डिफरेंसेस सीन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड वर्क। जब हम घर के काम किसी बच्चों को देते हैं तो उसमें क्या क्या असमानताएं या डिफरेंस होता है वो बताना है। काफ़ी होते हैं, लड़कों को हर फ्रीडम होता है, बाहर जा सकता है, और लड़कियां घर में बैठो, घर का काम करो। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 आंसर इन शॉर्ट, जिसमें थर्ड है हु इज़ मोर लाइकली टू कंप्लीट ए फॉर्मल प्राइमरी एजुकेशन ट्रेडिशनली। ज़्यादातर जो है किनको चांस मिलता है प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का या लेने का, तो उसमें आपको पता है बॉयज़ को ज़्यादा चांस दिया जाता है और गर्ल्स को कम। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ मैंने कुछ ईयर वाइज जो है पर 1000 मेंस के पीछे हर साल कितनी लेडीज़ हैं या कितनी विमेंस फीमेल्स हैं वो पूरा लिस्ट आउट किया हुआ है, जिसमें अपन ने आंसर 2011 का 940 देखा। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आ रहा है क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1-2 लाइन्स ईच। तो एक्चुअली ज़्यादा लगा रखे हैं, फिर भी आप दो एक लाइन तो आराम से अच्छे से लिख देना जो लिस्ट आउट की है मैंने। क्वेश्चन 1 है व्हाट एफर्ट्स डज द गवर्नमेंट मेक फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। नारी शक्तिकरण करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, कौन कौन से तरीके अपनाए हैं वो बताना है इस क्वेश्चन में, सरकार क्या क्या कर रही है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 का 2 है इन विच फील्ड्स वुमेन आर स्टिल रेयरली सीन। कहाँ कहाँ जो हैं अभी तक जो लेडीज़ हैं, वुमेन्स हैं, औरतें हैं, वो कम देखी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी आर्मी है उसमें कम है, इवन पुलिस में जो वुमेन्स हैं वो बहुत कम हैं, उस जगह लड़कियां या औरतें काम करने ज़्यादा नहीं जाती। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आ रहा है क्वेश्चन 3 का 3, हाउ डिड वुमेन जॉइन द मूवमेंट ऑफ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत की आज़ादी के समय कौन कौन सी वुमेन्स ने वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुई थी। तो इसमें जो कस्तूरबा है उनका नाम जो है वो दिया हुआ है। तो आगे देख लेते हैं। नाउ अब आ रहा है क्वेश्चन 4, राइट शॉर्ट नोट्स, जिसमें फर्स्ट है वुमेन एम्पावरमेंट यानी नारी सशक्तिकरण, जिसके लिस्ट आउट किए हुए हैं मेरे पॉइंट्स, काफ़ी इजी, तो आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्ट नोट है वो है सेकंड, एजुकेशन एंड ट्रेडिशनल बिलीफ इन इंडिया। भारत में जो शिक्षा है वो और जो हमारी पुरानी धारणाएं हैं, बिलीफ्स मतलब धारणाएं, वो क्या हैं वो बताना है। यानी लोगों का माइंडसेट तो यही होता है कि लड़की को नहीं पढ़ाना है, सिर्फ लड़के को पढ़ाना है, ऐसी धारणा सबसे पहले है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे
क्लास 7 सोशल साइंस चैप्टर 17 जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के सॉल्यूशन कंप्लीट हुए। होप कि आपको सारे समझ में आ गए होंगे। इजी वे में लिखा है, आपको कॉपी कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और वो जो बेल आइकन है उसको तो ज़रूर प्रेस करना, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट से आपका फीडबैक मुझे मिलेगा, उससे और ज़्यादा मेरी वीडियोस में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। वैसे देखा जाए तो मैंने सारे चैप्टर मैंने एक्सप्लेन भी किए हुए हैं, आप जाके मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, और प्लस आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।